हाय गाइस, तो मैं रिसेंटली अभी मैंने राजस्थान ट्रिप प्लान किया, उसमें मैं तीन सिटीज़ कवर की, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। सो इस वीडियो में आपको मैं जोधपुर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसा रहा। सो मैं जोधपुर गई थी जन्माष्टमी के दिन, 26 अगस्त को जोधपुर गई थी मैं। और मैंने इंडियो की फ्लाइट ली थी मॉर्निंग की 9:30 अराउंड, और मैं आई थिंक हार्डली 50 मिनट की फ्लाइट होती है जोधपुर की, पर मतलब कब आप लैंड कर जाओगे नहीं समझ आएगा। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है जोधपुर का, डिफेंस एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है। आराम से फ्लाइट से उतरोगे, 2 कदम की वॉक पे आप एंट्री करोगे, आराम से निकल जाओगे। उसके बाद जोधपुर में सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी जहाँ मैं हमेशा स्टे करती हूँ वो है इंडियाना पैलेस। सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है जोधपुर की, और उस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है उनका, एक शॉप भी है वहाँ पर, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। सो उनके नॉर्मल रूम जो थे ऑक्यूपाइड थे, अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उनका एक स्वीट बुक किया था। तो मैंने आई थिंक नॉर्मल स्वीट लिया था, बट मुझे बहुत ही रॉयल वाला स्वीट मिला। उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, जो सबसे उसका हायर बेस्ट स्वीट था वो मैं उसकी मैं वीडियो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी शॉर्ट्स में या वीडियो में। और वहाँ पे वो जो प्रॉपर राजस्थानी राजाओं वाली फील आएगी, लाइक प्रॉपर जो पूरा स्वीट है वो सिल्वर गोल्डन रेड कारपेट्स और एक बहुत ही खूबसूरत बेड पर मिरर लगा हुआ है, और एक बहुत ही आलिशान टब है उस स्वीट में, जैसे गोल्डन कलर के पैन है, और प्रॉपर उसमें लिविंग स्पेस थी, बेडरूम था, 2 वॉशरूम थे, बहुत अच्छा स्वीट है। लाइक पैसा वसूल वाली फीलिंग आती है उस स्वीट में रहने के बाद, मन नहीं करता उस स्वीट को छोड़ने का, बट स्टिल अगर जोधपुर गए तो फर्स्ट घूमना ही है आपको। सो हमें था कि हमें लंच के लिए एक जगह पर जाना था, उसका नाम था आई थिंक जिप्सी नाम है। तो हमने वीडियोज़ में देखा था कि लोग वहाँ जाके थाली खा रहे हैं, राजस्थानी मील ले, तो हमें कहा ओके लंच हम वहीं पर करेंगे। तो था कि कैसे सेटिंग होगी ना ऑल दैट, बट हम होटल से निकले, हम जिप्सी गए, तो उन्होंने प्रॉपर एक सेपरेट एरिया बना रखा है थाली वालों के लिए, जो थाली के लिए आए स्पेशली। तो हम गए बैठे, और बहुत ही स्मूथली उन्होंने चीज़ें मैनेज कर रखी थी। प्रॉपर एक थाली है, बहुत सारी कटोरियों में एक 2 चम्मच में सब्जी वब्जी सब कुछ डाला, 56 भोग, लाइक प्रॉपर अच्छी थाली थी, और हर एक आइटम मेरी थाली की बहुत टेस्टी थी। और आप सोच कितना प्राइस होगा उस थाली का, आई थिंक 500 थाली का प्राइस था। बहुत ही अच्छा भरपेट अनलिमिटेड खाना मिला हमें वहाँ पे। सो गाइस अगर आप जोधपुर गए तो वहाँ पे जरूर जाना, खाना वहाँ का बहुत अच्छा है, वो भी मैं शेयर करूँगी वीडियोस की में। उसके बाद वहाँ से निकल के हमने वहाँ का म्यूजियम भी देखा, मीर सुमन का म्यूजियम ठीक था, एक बार आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो उसका म्यूजियम एक बार। और जो मीर भवन पैलेस है, अगर आप सोचो वहाँ पे हाइट के लिए जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो वहाँ पे इन हाउस गेस्ट है उन्हीं को ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, मतलब हाइट या समथिंग की जा सकते हैं। तो अंटिल आपका रूम वहाँ पे बुक नहीं है आप नहीं जा सकते चाय पीने के लिए मीर भवन में भी। उसके बाद हम फोर्ट गए, जो वहाँ का बहुत 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 यूनिक फोर्ट है राजस्थान का सबसे ज़्यादा, जो पूरे फोर्ट वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, आराम से टिकट लो, लिफ्ट की भी टिकट लो साथ में, आराम से पूरे फोर्ट को एंजॉय करो। वहाँ पे अंदर शॉप्स है, उसमें जाके आराम से घूमो, मंदिर है उसको जरूर विजिट करो। और उसके बाद फिर हम निकल के हम गए एक वहाँ पे एक बावली है, उसका नाम है मुझे नाम याद नहीं है उसका, बावली है उस एरिया में, बावली देखने जा सकते हो बट बी केयरफुल, बहुत एकदम सीढ़ी वहाँ पे बहुत सीढ़ी सीढ़ी है, और बट उस बावली के आसपास बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, छोटी बहुत अच्छी दुकानें हैं, वहाँ से आप चीज़ें बाय कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा कैफे है जहाँ पे हम हमेशा जाके खाना खाते हैं या फिर ड्रिंक्स लेते हैं, झनकार हवेली उसका नाम है कैफे का, बहुत ही अलग ही वाइब आती है आपको वहाँ पे जाके। लाइक जोधपुर इज अ ट्रेडिशनल सिटी, बस उस पूरे एरिया में बावली के आसपास मॉडर्न वाली फीलिंग आती है वहाँ पे जाके, तो उस कैफे को जरूर एक्सप्लोर करिए। बहुत उनका अलग ही इंटीरियर है, झनकार है, बहुत ही अलग इंटीरियर उन्होंने, पौधे वौधे लाइक यूनिक है, आई डोंट थिंक हमने वैसा कभी कैफे देखा होगा। मेरे पास फोटो तो उन्हें पूरे जरूर शेयर करूंगी या फिर वीडियो डालूंगी, बट यूनिक कैफे है वो जोधपुर का, रिलैक्सिंग आपको कोई ना भी जैसे गोवा में वाइब आती है ना, वैसी वाइब उस कैफे से आपको। और उनका होटल भी आप देख सकते हैं, बहुत यूनिक होंगे उनके। उसके बाद हम थक हार के फाइनली अपने होटल पहुँच के और वहाँ पे हमने डिनर किया, और इंडियाना पैलेस का डिनर भी बहुत बहुत अमेजिंग होता है, मुझे रेस्टोरेंट पूरी रॉयल वाली फीलिंग आएगी रियली। फिर नेक्स्ट डे हमें जल्दी निकलना था, तो हमने जैसे ब्रेकफास्ट अच्छे से किया और फिर हम निकल गए अपने बीकानेर के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बीकानेर बताएंगे। तो गाइज अगर आप जोधपुर प्लान कर रहे हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, कौन कौन सी जगह विजिट करने लायक है
और एवरीथिंग और दैट्स ऑल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब. और जोधपुर आप पूरा एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग कम से कम 11 बजे जोधपुर में लैंड कर लो, पूरा दिन आप कवर कर लोगे जोधपुर को. और डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल. थैंक यू.